मऊ का एक लाल होम्योपैथ चिकित्सा में जिले का नाम रोशन कर रहा है, वो भी उस वक्त जब हर तरफ अंग्रेजी दवाओं का बोलबाला है। हम बात कर रहे हैं मऊ में जन्मे डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की, जिन्होंने न सिर्फ होम्योपैथ दवाओं के सहारे अनगिनत असाध्य रोगों को ठीक किया है बल्कि उनको जड़ से भी समाप्त किया है। डॉक्टर अरुण ने हाल में ही न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस नाम की एक बीमारी का 11 महीनों में ही होम्योपैथ से सफल इलाज कर चमत्कार कर दिया है। बता दें कि यह एक प्रकार की मानसिक बीमारी है जो कि मस्तिष्क में टीनिया सोलियम फीता कृमि के लार्वा के संक्रमण के कारण होता है। इसमें मरीजों को चक्कर आता है और मिर्गी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। इसके इलाज के लिए मरीज बड़े शहरों में जाकर बड़ी रकम अदा करता है और 4-5 साल तक का समय भी लग जाता है। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस से पीड़ित गौतम के पिता ने कहा कि उनके बेटे को शुरुआती दौर में 50 से 60 मिर्गी के झटके आया करते थे और बनारस में 2-3 साल तक इलाज करवाया, लेकिन मिर्गी के झटकों में कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन जब से डॉक्टर अरुण कुमार की दवा शुरू हुई है तब से झटका आना एकदम बंद हो गया है। और 20 जून को जब दोबारा सर का सिटी स्कैन कराया गया तो गौतम का सिटी स्कैन बिल्कुल नॉर्मल आया है और आज गौतम पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अपने लड़कों को लेकर के बहुत तंग आ गया था, इतना नहीं हमने बनारस भी गया, वहाँ भी इलाज कराया, 1-2 महीना वहाँ इलाज कराया, कुछ भी उस पर असर नहीं हुआ। झटका आ रहा था, कितनी बार आता था दिन भर में? दिन में 50 बार 100 बार भी हो जाया करता था। दवा चलाने के बाद एक बार भी झटका नहीं आया, तब से मैं रुक गया। हाँ, इसमें सब रिपोर्ट नॉर्मल आई है। लड़का वो भी बता रहे जो कि वहाँ रिपोर्ट खींचने वाला, वो पहले बता दिया, अचंभो खा गया कि भाई ये डॉक्टर है कहाँ के, जो कि अगला सही कर दिया। हमने कहा भैया मरता थाने बस स्टेशन के बगल में बैठते हैं नरो वाला रोड पे, और उन्हीं से मैं दवा चलाता था। वहीं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस का होम्योपैथ में बहुत ही सफल इलाज है, सिर्फ जरूरत है तो मरीजों को होम्योपैथिक दवाओं पर विश्वास करने की। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस ये एक प्रकार का नर्वस डिसऑर्डर है जो पॉक टेप वर्म के एक्स के इंजेक्शन के वजह से होता है। जब कोई पेशेंट पॉक टेप वर्म के एक्स को इंजेक्ट करता है उसका लार्वा पेशेंट के ब्रेन में जाके ग्रोथ करता है और न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस कॉज करता है। इसके लक्षण है एपिलेप्टिक अटैक, 70% केसों में पेशेंट को एपिलेप्टिक अटैक आते हैं, वर्टिगो चक्कर आता है, वोमिटिंग टेंडेंसी रहती है, उल्टी जैसा मन होता है, डिजनेस रहता है। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस का होम्योपैथ में बहुत ही अच्छा स्कोप है, बस जरूरत है मरीज को होम्योपैथिक की मीठी गोलियों पर विश्वास करने की। न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस का होम्योपैथ में बहुत अच्छा स्कोप है, बस पेशेंट को जरूरत है कि होम्योपैथ पर विश्वास करें, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें और मात्र 11 महीने में ये न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस पूर्ण रूप से ठीक हो चुका है, जबकि न्यूरोफिजिशियन इसी केस के लिए 4-5 साल दवाई। बता दें कि डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की क्लिनिक गाजीपुर के मर्दा में स्थित है, जहां होम्योपैथ की दवाओं से डॉक्टर अरुण मरीजों को नई जिंदगी दे रहे हैं। टीम न्यूज़ आई।